हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं एक बेबी कॉलर। तो ये दोस्तों, जो हम बेबी कॉलर बनाएंगे वो हम इस कपड़े के ऊपर बनाने वाले हैं। ये हमारा कपड़ा है जो कि इसकी हमने ऑलरेडी कटिंग कर ली है। तो हमें जो बेबी कॉलर बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें जो जिस भी कलर की हमें कॉलर बनानी है वो वाला फैब्रिक, और हमें चाहिएगा कुछ फिजिंग। तो ये हमारा मटेरियल है जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम किस प्रकार से इसकी बेबी कॉलर बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने क्या किया है, ये हमारा कुछ स्क्रैप का कपड़ा है ये, जो कि हमने फिजिंग पर इसको चिपका लिया है, आयरन के थ्रू हमने इसको चिपका लिया है। और हमने क्या किया है, जो हमारा ये ब्लैक कलर का कपड़ा था उसको भी हमने फिजिंग के ऊपर इस तरीके से हमने चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये पीस है इस पर हमें जो हमारा नेक है वो हमें कट करना है। देखिए, हमने यहाँ से इसको 3 इंच पर मार्किंग किया हुआ है, और यहाँ से आपको जितना डीप रखना है, जो आपका नेक है आपको जितना डीप रखना है आप उतना इसकी डीपनेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच की इसकी डीपनेस ले रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ से भी मैं एक 3 इंच का निशान इस तरीके से लगा लेती हूँ, इस तरीके से। और एक हम यहाँ पर पैनल क्रिएट कर लेते हैं, ये देखिए, इस तरीके से हम एक पैनल क्रिएट करेंगे। ये देखिए, हमारा पैनल क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें गोल गला जो कि वो है ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने गोल गला ड्रॉ कर लिया, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर जो हमने मार्किंग की थी वो हमने कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये फिजिंग है जो हमने इसको चिपकाया था इसके ऊपर, इसे हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, और यहां पर हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये हमने मार्किंग कर ली है, अब हमें यहाँ पर एक शेप देनी है। इस तरीके से ये जो हमारा ये चीज़ है यहाँ पर हमें बिल्कुल अटैच नहीं करना है, ये हमें यहाँ तक ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी ये ड्रॉ कर लेनी है, और हमें इसी के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है जो हमने मार्किंग किया था। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा थोड़ा बचा हुआ कपड़ा है ये देखिए, अब इस पे हमें क्या करना है, इसको भी इसी तरीके से डबल कर लेना है इस तरीके से, और इसको इसी के ऊपर इस तरीके से रखते हुए इसकी और कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये अरेंज हो चुका है और इसकी इसी पर कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए, ये हमने कपड़े की भी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला कपड़ा है, ये वाला कपड़ा, इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। और जो हमारा ये था, ये कटिंग है, इसको इसी तरीके से रखते हुए हमें एक नेक और कट करना है। ये देखिए, ये हमने नेक को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये साइड वाला है, इसे हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब क्या करना है, जो हमारा ये वाला नेक है, इसे भी हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये हम इस तरीके से रखेंगे। हमें इसका विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा उल्टा और सुलटा पोर्शन है, उसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। और ये चीज़ हमें इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज करनी है, इस तरीके से। और हमें जो ये हमारा साइड वाला जो ये पोर्शन है, इस पर हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, ये हमने इसको अच्छे से अरेंज कर लिया है। और यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई करनी है। ये देखिए, जिस प्रकार की शेप है, उसी शेप में हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हल्के हल्के से नोचेज लगाने हैं। ये नोचेज ध्यान रखिए कि जो नोचेज आप लगा रहे हो, उस नोचेज से आपकी जो स्टिचिंग है वो नहीं कट होनी चाहिए। बहुत सावधानी से लगा लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने इस पर नोचेज लगा लिए। स्पेशली हमें यहाँ पर एक नोचेज लगाना है। ये देखिए, मैंने इतना बड़ा नोचेज लगाया कि हमारी स्टिचिंग कट नहीं हुई है। अब हमें इसे पलट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। और इसे अच्छे से यहाँ से हमें इसकी क्रीच बना लेनी है, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने पलट लिया है और ये हमने इसकी अच्छे से क्रीच बना ली है। अब क्या करना है, जो हमारा ये कपड़ा है, जिस पे हमें इसको अप्लाई करना है, इसको इस तरीके से रखेंगे। और जो हमारा ये वाला है डिज़ाइन, ये ध्यान रखना, जो आपने ये जो पेस्टिंग लगाई है, ये हमें हमारी जो फिनिशिंग वाली है वो चीज़ दिखनी चाहिए। ये मैंने इस तरीके से रखी है इसके ऊपर, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमें इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज कर लेनी है। और जो हमारा ये वाला कपड़ा है, जो हमने ये नेक तैयार किया था, इसे भी हमें सेंटर कर लेना है। ये हमारा देखिए यहाँ सेंटर है, और इसे बिल्कुल इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर इस तरीके से। और हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, ठीक इसी प्रकार से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। पूरे जो हमने ये नेक हमने रखा है, इसका हमें पूरा ये राउंड शेप है जो, इस पर पूरे पे हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है।
ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर नॉचेस लगा लिए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए हमारी स्टिचिंग भी कट नहीं हुई है। अब क्या करना है, ये जो हमारा पोर्शन है, जो हमारी डिज़ाइन है, इसे छोड़ते हुए जो हमारी ये फैब्रिक और ये जो गला है, इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसको स्टिच करना है। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये कॉलर है, इसे हमें इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी जो ये कॉलर है वो सेट हो चुकी है। इस पर आप हल्की सी आयरन कर सकते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से देखिए हमारे बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से हमारी जो ये बेबी कॉलर है वो बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जो बेबी कॉलर है किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से कटिंग की जाती है, इसकी जानकारी बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।